हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 80 रुपए का शेयर है, बेहतरीन तेजी फ्राइडे को इसने दिखाई ज़रूर थी, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में भी अच्छी तेजी है। हालांकि तेजी थी, बाद में थोड़ी बहुत गिरावट भी आई, फिर से रिकवरी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई। 80 रुपए के आसपास पहुँच चुका है और अपने एक साल के सबसे जो हाईएस्ट लेवल था 83, उसके करीब जाने की ये कोशिश कर रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 80 रुपये का शेयर एक साल में बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न बना ज़रूर है। हालांकि 50 रुपये से 85 पे गया, करेक्शन भी वापस आया ज़रूर, और 70 रुपये आ गया, वापस तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आई ज़रूर है। और देखो, मैं मानता हूँ कि जब भी यहाँ पर गिरावट आएगी रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन जब गिरावट आएगी तो वो 5-6% की गिरावट नहीं होगी, वो एटलीस्ट 15-20% का करेक्शन डेफिनेटली ये दिखाएगा जब भी गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी तो हालांकि हाई पर है। अगर 83 रुपीज़ का लेवल तोड़ देता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन अगर उसको नहीं तोड़ पाता है तो कहीं ना कहीं वापस से ये 70-75 की रेंज में जाता नज़र आ सकता है। वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, 8.5 करोड़ भैया। यही वजह भी है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, शेयर में तेज़ी की एक बड़ी वजह ये भी है। इतना ही नहीं, इस बैंक को लेकर देखें, देखो सरकारी बैंक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे डिविडेंड भी इन्होंने पे आउट करना शुरू करा ज़रूर है। 2015 में पे किया था आखिरी बार, उसके बाद 22 में और 23 में दोबारा से पे आउट शुरू हुआ, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, और जैसे ही प्रॉफिट कमाना शुरू किया डिविडेंड भी पे आउट यहाँ पर शुरू हो गया। अगर आप देखोगे तो इनकी अच्छी किस्मत जो आई है वो 2021 फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 से बनी यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि तो इससे पहले कम थे रेवेन्यू। अब देखो 50,000 करोड़ के आसपास सिमटे हुए थे, लेकिन वो सीधे अगले ही साल 80,000 करोड़ पर पहुँच गए। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी देखोगे तो लॉस था 2018 और 19 में, लॉस था, बड़ा लॉस था, 18 से 10,000 करोड़ के आसपास का लॉस था ये। 2018 में 18,000 और 2019 में 10,000 करोड़ के लॉस था। 20 में थोड़े से स्टेबल हुए, और जो ग्रोथ आई वो 21, 22 और 23 में शानदार ग्रोथ आई यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की, क्यों देखो यार, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन देखना ज़रूरी है, किसी भी लेवल पर खरीदारी करना सही नहीं होता है। यहाँ पर 16 का पी है, सेक्टर भी 17 का है, तो उतना भी सस्ता नहीं है ये अगर मैं बाकी सरकारी बैंक से इसको कंपेयर करूंगा तो। और जहां तक बात करें तो 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो जो प्रमोटर है वो कौन है, गवर्नमेंट है यहां पर, उनके पास 73.15% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखो जनरली सरकारी कंपनियों के शेयर्स गिरवी कतई नहीं होते। बड़े बड़े फंड हाउस में देखोगे तो म्यूचुअल फंड के पास 4.85% है, 8.95% डोमेस्टिक के पास है, 2.65% FIs लेकर बैठे। तो बड़ी क्वांटिटी में बड़े बड़े फंड हाउस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, बड़ी क्वांटिटी खरीद कर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 10.41%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.98% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 2.43% की होल्डिंग पर है। देखिए ओवरऑल ना, इस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बैंक खराब नहीं है, लेकिन अभी जिस लेवल पर है ना वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा है। 82 से लेकर 85 रुपीज़ का जो लेवल है, जो रेंज है, वो एक रेजिस्टेंस वाला रेंज है। वहाँ से या तो मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन होगा, या तो ब्रेकआउट दिखाएगा, या तो वहाँ से वापस गिरकर 70 के करीब जाता नज़र आएगा, 70-75 के करीब जाता नज़र आएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि बैंक सही है। अगर आप 1-1.5 साल देते हो इसको तो डेफिनेटली आपको ये 3 डिजिट में ट्रेड करता नज़र भी आ जाएगा। तो खरीदारी करी है तो बने रही, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है तो ऑप्शन डाउन यहां पर होते रहेंगे, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके यहां पर आपको ढूंढने चाहिए, लेकिन इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे नहीं। बाय ऑन डिप्स मतलब कि भाई साहब, अगर यहां से मान लो कि 10% का करेक्शन आता है तो उसके बाद से आप हर 10-12% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे आपको ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, यही मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और सरकारी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो को यहीं पेंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।